तो चलिए बच्चों अगला फंक्शन ग्रुप सीखते हैं, एसिड अमाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड अमाइड। देखिए एसिड अमाइड नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड्स हैं आपके, ये एसिड से बनते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको बनाया जाता है। ठीक, और सफिक्स में अमाइड ही यूज होता है। आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला जो होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सी ओ ग्रुप के साथ एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि अगर डायरेक्ट अगर ये NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, प्राइमरी अमाइन, है ना, प्राइमरी अमाइन पढ़ा है ना आपने। ठीक, तो अगर CO के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, यानी CO और उसके साथ NH2 है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आता है, अमाइड। लेकिन अमाइड जो है यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए NH2 जुड़ा है सीधे ही CO के साथ तो इसको तो नॉर्मल अमाइड कहा जाता है। अदरवाइज अगर किसी तरीके से इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहां पे कार्बन चेन आ जाए तो इसे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहा जाता है। ये अगली कैटेगरी है अमाइड की। साथ ही साथ अगर दोनों हाइड्रोजन यहां से हटा दें और अल्काइल चेन ऐड कर दी जाए तो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये कैटेगरी, यूं भी इनको बोला जा सकता है कि भाई ये आपका प्राइमरी अमाइड है, ये सेकेंडरी टाइप का है, और ये आपका टर्शरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड बोला जा सकता है। एक एग्जांपल से इनका नाम सीखते हैं फिर और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं देखिए, और इसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये पहला नाम इसका लिखते हैं। देखो मेन चेन ये कंसीडर की जाएगी, ठीक, तो ये आपकी मेन चेन है, वन और टू, टू कंपाउंड मतलब दो कार्बन एटम है इसमें, सिर्फ दो ही कार्बन एटम है, नहीं वर्ड रूट इथेन करके पढ़ा जाएगा, तो इसे बोलेंगे इथेन, ई ड्रॉप करना है और सीधे ही आप क्या यूज करेंगे, अमाइड, इथेन अमाइड। ठीक है, क्योंकि ये पूरा फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, अमाइड। इस कैटेगरी में आ जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे पहले लिखा जाएगा। और ये जो है किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, अल्काइल चेन किस पे जुड़ी है, नाइट्रोजन पे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, N, और यहां पे अल्काइल चेन मैंने इथाइल ली है, सो N इथाइल, N इथाइल, मेन चेन दो कार्बन की है, इथेन और आपका सफिक्स है अमाइड। देखिए नाम कितना सिंपल है, N इथाइल, इथेन और फिर ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अमाइड। इसी तरीके से अगर यहां पे देखें तो दो बार अल्काइल चेन जुड़ी है, देखो दो बार जुड़ी है ना, अब ये एक जैसी भी हो सकती हैं और ये अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम और डिफरेंट दोनों पॉसिबल। जैसे यहां पे मैंने सेम का एग्जांपल लिया तो देखो कैसे लिखे, एन एन डाइमिथाइल, ये पहले लिखा जाएगा, फिर आपका वर्ड रूट दो कार्बन का है तो यहां पर क्या लिखेंगे, इथेन, इथेन अमाइड। देखिए एक एक एग्जाम्पल से आप लोग नाम लिखना सीख चुके हैं, और भी प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट इन्हें नोट कर लें आप। चलिए बच्चों ये सिंपल से अमाइड के एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि नॉर्मल अमाइड मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, उसके बाद मैं मोनो सब्स्टिट्यूट और डाई सब्स्टिट्यूटेड के एग्जाम्पल दूंगा। तो पहले ये वाला देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका, ये आपका एक कार्बन सबसे नंबर वन इसी को, मतलब लोएस्ट नंबर इसी को मिलेगा, वन टू थ्री फोर, टू पोजीशन पे ये दो बार इस तरीके से लाइनें निकली हुई हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक सी एस थ्री है और यहाँ भी एक सी एस थ्री है, तो सब्स्टिट्यूशन है बट मेन चेन में, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ध्यान देना इस नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसलिए सिंपल अमाइड कहलाएगा। तो मेन चेन में देखिए क्या लिखा है, आपका दो बार मतलब इस मेन चेन में दो मिथाइल है ना, तो टू टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, उसके बाद चेन चार कार्बन की है
सेचूरेटेड है, इसलिए ब्यूटेन ई ड्रॉप करेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, अमाइड, या क्या लिख सकते हैं, वन अमाइड। ठीक है, ये नाम हो गया आपका। अगले एग्जाम्पल को देखें तो बहुत ही सिंपल है। अगले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे कार्बन है CONH2, ये रहा आपका ग्रुप, सो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस हिसाब से अब देखिए प्रेफिक्स कहाँ पे है, 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 3 पे क्लोरो। तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा और दो बार है तो कैसे लिखेंगे, 2, 4 डाई ब्रोमो। देखिए इन दोनों को लिखा, फिर कैसे लिखेंगे, 3 क्लोरो। फिर 5 कार्बन की चेन है पेंट और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2 इन और लास्ट में कैसे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या हो जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप आपका, अमाइड। अब थर्ड ट्राई कीजिए, जब तक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप नाम पे फोकस कर पाएं बहुत अच्छे से। थर्ड तो देख लिया आपने थर्ड एग्जाम्पल, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। भी थर्ड एग्जाम्पल है आपका ये, जिसमें ये कार्बन 1, 2, 3, 4। अब 2 पे और 3 पे आपके मिथाइल लगे हुए हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेट चेन है। ठीक, तो 2, 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, 2 से अनसेचुरेशन है और लास्ट में अमाइड। तो बढ़िया तरीके से जल्दी से लिख लीजिए और चलते हैं डाई सब्स्टिट्यूट और उससे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे। चलो बच्चों सीखे मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। देखिए 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और हर एक जगह पे, यहाँ पे जहाँ NH2 हुआ करता था अब वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है और ये कोई ग्रुप वहाँ पे लगे हुए हैं जो एज अ प्रेफिक्स काम करेंगे, जो ब्रांचिंग का काम करें। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मेन कार्बन कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप वाला, यहाँ से, ये है पूरा फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये वाला प्रेफिक्स नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले ये वाला प्रेफिक्स लिखेंगे, मतलब क्या आएगा, एन मीथाइल, उसके बाद ये वाला आएगा पार्ट 2 मीथाइल, जिसमें क्लियर होना चाहिए कि एन लिखा है मतलब ये नाइट्रोजन वाला मिथाइल है और 2 मीथाइल लगा है मतलब ये मेन चेन वाला है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आएगा ब्यूटेन अमाइड, क्योंकि 4 कार्बन की चेन सैचुरेटेड है और डायरेक्ट आप अमाइड लिखेंगे। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल पूरा हुआ, अच्छे से नोट कर लें इस पहले एग्जाम्पल को, फिर आप सेकेंड वन कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 है और ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे पहले लिखा जाएगा। सो वो देखिए क्या होगा, एन इथाइल होगा, इसे इथाइल कहते हैं। ठीक है, C2H5 या ऐसे अगर लिखा होता तो भी आपका इथाइल होता। ठीक है, सो एन इथाइल। उसके बाद देखिए 2 पे क्या है, क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है, अनसेचुरेशन भी है वो भी 3 पे और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, अमाइड। अच्छे से नोट कर लें, देखें एक बार बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी गई है। ठीक है बेटा, लास्ट करें थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो वही मेन चेन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की है। पहले किसे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे अल्काइल चेन या जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है सबसे पहले लिखें। अब ये जो C6H5 होता है इसे फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो देखो कैसे लिखेंगे, एन फिनाइल। ठीक है, एन फिनाइल। अब ये वाली चेन देखेंगे जिसमें 5 पे क्या लगा है बेटा, ब्रोमो, स्मॉल में आएगा ब्रोमो। ठीक, फिर 6 कार्बन की चेन हेक्स और यहाँ पे 3 पे अनसेचुरेशन है वो भी YNE, लेकिन E ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अमाइड लिखा जाएगा तो हम सीधे ही लिख सकते हैं अमाइड और ये नाम पूरा हो गया। ठीक, अच्छे से इसे भी नोट कर लें, ये 4 उस नंबर में आएगा।
अच्छे से नोट कर लें, एन फिनाइल फाइब्रोमो और हेग्स पे, तीन पे क्या है आइन और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइड। नोट कर लो फटाफट, लास्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों लास्ट देखते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, तो भाई चेक करते हैं कि कैसे नाम लिखा जाएगा। तो बिल्कुल अभी आपने एक एग्जांपल पहले भी देखा कि अब नाइट्रोजन के साथ ये दो दो एल्काइल चेन जुड़े हैं, अब यहाँ पे दोनों सेम हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो मेन चेन है वो यहाँ से स्टार्ट है, 1, 2, 3 और 4, ये चार कार्बन की चेन है जिसमें उस मेन चेन में भी कहीं ना कहीं आपकी ब्रांचिंग अटैच्ड है। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ी है, तो नाइट्रोजन से यहाँ पे दो बार मिथाइल है, सेम है, तो इसलिए एन कॉमा एन डाई मिथाइल पहले लिखेंगे। उसके बाद मेन चेन में देखिए तीन पे ब्रोमो है और टू पे मिथाइल, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 ब्रोमो। उसके बाद किसे लिखेंगे, 2 मिथाइल। उसके बाद ब्यूट, तीन पे अनसेचुरेशन भाई, और लास्ट में आप समझ गए क्या आएगा, अमाइड। ठीक, नाम अच्छे से पहचान लीजिए, बढ़िया तरीके से देखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी गई है और कैसे, सभी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। सबसे पहले नाइट्रोजन वाले पार्ट, उसके बाद मेन चेन के प्रेफिक्सेस नंबर के साथ, फिर वर्ड रूट और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, बस आइडेंटिफिकेशन मेन फंक्शनल ग्रुप की रखिए, देखिए रहा, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5। अब नाइट्रोजन पे दो अलग अलग प्रेफिक्सेस जुड़े हैं, दो अलग अलग ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये मिथाइल और ये इथाइल, तो पहले लिखेंगे एन इथाइल फिर एन मिथाइल, दोनों नाइट्रोजन इस बार अलग अलग क्योंकि दो डिफरेंट अल्काइल चेन है। उसके बाद आप देखिए मेन चेन में आपके दो ब्रोमो जुड़े हुए हैं, 3.3 डाई ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद आपकी मेन चेन में और कोई भी प्रेफिक्स नहीं है, सीधे ही आप लिख सकते हैं पेंटेन अमाइड, ये नाम हो गया। अच्छे से देख लें एक बार कि कहां पे क्या और किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करें थर्ड एग्जांपल पे आ जाएं, तो इस बार इसमें भी देखो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, ब्रांचिंग है, इसको फिनाइल हमने पढ़ा था और ये हमारा इथाइल ग्रुप है, तो आ जाओ लिखते हैं ना। अब इथाइल और फिनाइल में इथाइल पहले आएगा, सो एन इथाइल फिर एन फिनाइल लिख दिया। अब मेन चेन में देख लीजिए नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये आपका आ जाएगा पेंट। अब आप देखिए फोर्थ पोजीशन पे इन, पहले इन लिखा जाता है, फिर आपकी थर्ड पोजीशन से, थर्ड नहीं, सेकेंड पोजीशन से आपका आइन स्टार्ट है और लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि अमाइड, ये नाम हो गया। अच्छे से देख लें और ये इस तरीके से आपने अमाइड का नाम सीखा, चेक कर लें, नोट कर लें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना एसिड एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एसिड एनहाइड्राइड होते क्या हैं, मतलब किस तरीके से फॉर्म होते हैं और उसके बाद किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। तो देखिए नाम लिखने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एसिड एनहाइड्राइड बनते किस तरीके से। मान लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कोई ऐसा एक ऐसी स्पीसीज डालेंगे या ऐसा कंपाउंड डालेंगे या रिएजेंट जो इसमें से वाटर रिलीज करे, इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दे। जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरीके से कौन से रिएजेंट वाटर रिमूव करते। तो एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है और दूसरा इसका उल्टा करके इधर लिखा हुआ। अब इन दोनों में से कोई रिएजेंट अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज कर दे, हटा दे, एनहाइड्रस
फॉर्म हो जाएगा, मतलब वाटर रिलीज होगा, तो एनहाइड्राइड बोलते हैं कि भाई वाटर रिलीज हो गया, एनहाइड्राइड बनेगा। तो अब आप देखिए बचे हुए पार्ट को आप अगर RCO और यहाँ से एक ऑक्सीजन रह जाएगा, अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इससे लिंक करेगा और वो वहाँ पे R से जुड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरीके से जनरेट होता है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये और एक ये, तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है। इस तरीके से जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला ये फंक्शनल ग्रुप, यही आपका एसिड एनहाइड्राइड। नाम एसिड एनहाइड्राइड क्यों पड़ा, क्योंकि एसिड से बना हुआ है और वाटर रिलीज होने के बाद फॉर्म होता है, इसलिए एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये हो सकता है कि ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो, ठीक है, तो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होता है, या ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई दूसरा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर CH3 के मतलब एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं IUPAC नेमिंग में इथेनोइक एसिड। अब इस इथेनोइक का एनहाइड्राइड देखिए कैसे बनेगा, इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड मतलब इसी के दो मॉलिक्यूल होंगे, इसी के दो मॉलिक्यूल होंगे कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब इथेनोइक से बना हुआ है, इधर भी इथेनोइक और इधर भी इथेनोइक, तो इसे बोल देंगे हम सीधे ही इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, मतलब दोनों तरफ सेम कार्बन की चेन जुड़ी है, क्योंकि एक ही जैसे एसिड से ये बना है। तो नाम क्या लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, ये डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट मींस कि यहाँ से तो आप देख पा रहे हैं कि चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक रहा होगा, और इधर जो है आपका दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड से, और दो कार्बन को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड से ये एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है। उनमें से दो मॉलिक्यूल, मतलब इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल, इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें से एक वाटर पार्टिकल जब हटा तो वो बना होगा। तो नाम लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दीजिए और स्ट्रेट नाम लिख दीजिए, जैसे इथेनोइक पहले लिखा जाएगा, इथेनोइक, फिर आएगा ब्यूटेनोइक, और लास्ट में लगा देना है आपको एनहाइड्राइड। ये तरीका है एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखने का। सिमेट्रिकल के केस में दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाए, लेकिन अगर दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए, अनसिमेट्रिकल है, तो पहले आप उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखिए जिस जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इथेनोइक और ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे नेक्स्ट, ये भी अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये आपका तीन कार्बन का है और ये आपका एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक, तो तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक को क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक, और एक कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हो, एक कार्बन का तो मीथेनोइक होगा, बिल्कुल। सो मीथेनोइक और प्रोपेनोइक में आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से पहले लिखेंगे आप मीथेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में लगा देंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली आप ये काम कर पाएंगे जब कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। लेकिन इसके बाद जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ कुछ सेम आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट दिख रहा है। तो यहां पर मैं आपको अगर ये सिखाऊं तो जरा देखो, ये वाला दो कार्बन का है, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, देखो इससे ये बना है, देखो ध्यान से मैच करो, इससे बना हुआ है दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं क्लोरो इथेनोइक एसिड। अगर पूरा नाम लिखें तो भाई यहाँ तो कोई ग्रुप लग नहीं सकता, मतलब इसके नियर बाई वाले पे ही लगे, इस वाले पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तो यहीं पे क्लोरीन लग सकता था, या कोई भी अगर ब्रांच लगेगा तो वो इसी पोजीशन पे लगेगा। तो अगर नाम वैसे नंबर के बेसिस पे लिखोगे तो ये आएगा 2-chloroethanoic एसिड।
अदरवाइज कॉमनली भी क्लोरोइथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होगा कि सेकंड पोजीशन पे ही कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, फर्स्ट पे तो लग ही नहीं सकता। ठीक, तो टू क्लोरोइथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं आप इसे, या सीधे ही आप इसे क्लोरोइथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। तो इस बेसिस पे इसका नाम क्या आ जाएगा आप देखिए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं क्लोरोइथेनोइक एनहाइड्राइड, ये देखिए ये इसका नाम हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टू क्लोरोइथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों ही इसके सही नाम होंगे। तो बहुत कॉमन है, सिमेट्रिकल हो तो एक एसिड के बेसिस पे ही आप पीछे एनहाइड्राइड लगा दो, और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नाम लिख सकते हैं। तो आपका इस हिसाब से एनहाइड्राइड भी पूरा हुआ, और ये इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन थी कि इसमें दो टू टाइम्स रिपीट करके और सेंटर वाले ऑक्सीजन को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक बार चेक कर लें और समझ लें।